और ऐसे में राजधानी रांची के तमाम पिकनिक स्पॉट्स और पार्कों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले में 700 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से शक्ति कमांडो की भी तैनाती की गई है ताकि नववर्ष शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। वहीं राजधानी रांची के पार्कों में सुरक्षा का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। इस साल के आगमन में महज कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, ऐसे में राजधानी रांची के तमाम पिकनिक स्पॉट और फॉल्स पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम राजधानी रांची के ऑक्सीजन पार्क में मौजूद है और यहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम मुकम्मल है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी पर्यटक हो या फिर सैलानी राजधानी रांची के आसपास के लोग यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से नववर्ष को मना सकते हैं। और हमारे साथ यहां पर सुरक्षा के लिहाज से तैनात एएसआई, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आदेश मिला है नववर्ष को लेकर के आप लोग को। हमें शक्ति मोबाइल को नगर नियंत्रण कक्ष के द्वारा दिनांक 30 दिसंबर दिन रविवार के दिन से ही आदेश मिला है। जितने भी पर्यटक पिकनिक स्पॉट हैं शहर के अंदर में सभी जगह हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति मोबाइल को लगाया गया है। किस प्रकार उन्हें छेड़खानी से बचाव किया जाए, आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इन सबके मद्देनजर उन्हें किस प्रकार सुरक्षा देना है ये सभी बताते हुए हम जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं वहाँ अभी फिलहाल ड्यूटी में हैं और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और सुरक्षा के तहत उन्हें शक्ति ऐप किस तरह यूज करना है इसके बारे भी हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क के बगल में अभी वर्तमान में सरस मेला लगा है, यहाँ बहुत भीड़ भी आ रही है, महिलाएं भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। सबको सुरक्षा की नजर से किस तरह अपना बचाव करना है, किस प्रकार पुलिस से मदद लेना है, इस संबंधित सभी जानकारी हम उन्हें दे रहे हैं। किस तरह से निगरानी की हुई आप ऑक्सीजन पार्क में, क्योंकि लंबे समय से आप यहाँ पर तैनात किए गए और कितनी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात की गई है? हम लोग यहाँ नजर रख रहे हैं पार्क के चारों ओर घूम घूम के, रोड में आने जाने व्यक्ति के ऊपर में, लड़की लड़कियों सबके ऊपर में निगरानी रख रहे हैं। बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये महिला शक्ति कमांडो जो है वो लगातार विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और पूरे जिले भर में नववर्ष को देखते हुए 700 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार का खलल न हो और शांतिपूर्ण तरीके से 2019 का आगाज हो सके। कैमरा पर्सन अरुण के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया रांची। नए साल के जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। रांची के पार्कों में भी लोग अपने दोस्तों और परिवार के संग मस्ती करने पहुंच रहे हैं। कांके डैम पर स्थित रॉक गार्डन में भी लोग पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए रॉक गार्डन और कांके डैम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए साल की आगवानी को लेकर पूरी रांची तैयार है। हम इस वक्त रॉक गार्डन में हैं और रॉक गार्डन में भी यानी कि पार्कों की क्या स्थिति है हम वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शनिवार हो, रविवार हो या फिर आज 31 दिसंबर और 1 जनवरी। चार दिनों तक पूरी तरह से लोग मस्ती के मूड में हैं और जहां जिन्हें मौका मिल रहा है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मस्ती और नए साल के स्वागत की तैयारी में, जश्न में डूब रहे हैं। हम इस वक्त रॉक गार्डन में आप देखेंगे कि यहाँ की खूबसूरती भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और रॉक गार्डन से जो कांके डैम का नजारा होता है वो भी बेहद आकर्षक होता है और डैम के आसपास भी इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल के जवान लगाए गए हैं। पुलिस की यानी प्रशासन की ये कोशिश है कि जो भी लोग पार्कों में घूमने जाएं, जहां भी जाएं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो और जिम्मेदारी के साथ लोग नए साल के जश्न को अपने तरीके से इंजॉय करें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप लोग घूमने आए हैं पार्क? हाँ जी, जी जरूर। क्या लगा देख के, कैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं नए साल के आगवानी को? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये जगह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आते ही मेरा पूरा मूड अच्छा हो जाता है, बहुत शांति मिलती है हमको, यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिलती है। पार्क को देख के कैसा लगा इंतजाम इस बार? सब बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है, पूरा नेचर से पूरा रिलेटेड जगह है तो पूरा प्लेट्यू पेड़ पौधा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। तो नया साल लगता है कि इस बार मस्ती के साथ पूरा बहुत अच्छे से बिताएगा? बिल्कुल, देखिए लोग अभी भी पहुंच रहे हैं और अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि नए साल के जश्न में आप भी डूबना चाहते हैं तो ये जगह भी बेहद मुफीद है। प्रकृति का आपको एहसास कराएगा, राजधानी की खूबसूरती आपको यहाँ दिखेगी, इसके साथ साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और साफ सुथरी व्यवस्था के बीच नए साल की खुशियां आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 352वें प्रकाश